आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे क्या आप फेसबुक एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं और आप अपने फेसबुक के अंदर अपनी आईडी को आप लॉक करना चाहते हैं तो आखिरकार अपनी आईडी को आप कैसे लॉक करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स में बताने वाले हैं कि आखिरकार अपने फेसबुक की आईडी को लॉक कैसे करेंगे, क्योंकि आप अपनी आईडी को जब लॉक करने के लिए जाते होंगे और थ्री डॉट पर क्लिक करते होंगे तो यहां पर आपको कहीं पर लॉक करने का ऑप्शन नहीं मिलता है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। लेकिन आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, वहां पर आपको बताया गया है कि यहां पर आपको लॉक करने का एक विकल्प मिल जाता है और उस पर क्लिक करके अपनी प्रोफाइल को आप लॉक करके रख सकते हैं और आपको यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो आखिरकार इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करेंगे, कैसे आपको लॉक करने का विकल्प दिखाई देगा, तो चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना, ताकि जब भी कोई नया अपडेट आएगा फेसबुक के अंदर तो उस पर हम आपको फिर से एक नया वीडियो बनाकर दे देंगे। और अगर आपको फेसबुक आईडी का अभी तक पासवर्ड नहीं पता है तो उसका पासवर्ड कैसे बनाते हैं, उसका लिंक आपको यहां पर मिल जाएगा, तो आप उस पर क्लिक करके वो वीडियो देख लीजिए कि फेसबुक में एक नया पासवर्ड कैसे बनाया जाता है अगर आप भूल गए हैं। अपनी आईडी को लॉक करने के लिए सबसे पहले अपने फेसबुक ऐप को ओपन करना होगा। जैसे आप फेसबुक ऐप को ओपन कर लेते हैं तो इस तरीके से आपका ऐप ओपन हो जाएगा। अब आपको अपनी आईडी पर क्लिक करना होगा। अगर आपके आईडी में यहां पर आपको डैशबोर्ड का ऑप्शन आ रहा है तो इसका मतलब है कि जो आपका आईडी है ये आपका आईडी प्रोफेशनल है, यानी कि एक आपका बिजनेस अकाउंट बना हुआ है, ये आपका पेज है। तो बिजनेस अकाउंट, प्रोफेशनल आईडी और पेज, ये आपका कुछ भी लॉक नहीं होता है। अपने आईडी को आपको नॉर्मल मोड में लाना पड़ेगा, यानी कि पर्सनल आपको बनाना पड़ेगा, फिर आपको लॉक करने का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे अगर हम आपको दिखाना चाहें तो एग्जांपल के तरीके हम आपको दिखा सकते हैं। हम यहाँ पर अपने आईडी पर क्लिक करेंगे। आईडी पर क्लिक करने के बाद इस आईडी को मैंने यहाँ पर लॉगिन किया है। लॉगिन करने के बाद अभी आपको दिखाते हैं कि इसमें हमें यहाँ पर डैशबोर्ड का कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। हम अपने आईडी पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कोई भी हमारा डैशबोर्ड का ऑप्शन नहीं है और ये हमारा आईडी पहले से लॉक है, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे। अगर इस आईडी को हम अनलॉक करके फिर आपको दिखाते हैं तो यहां पर क्लिक करेंगे, अनलॉक प्रोफाइल पर क्लिक कर देंगे, सी योर प्रोफाइल पर क्लिक कर देंगे और यहां पर फिर से इस पर क्लिक करेंगे, यहां से बैक आ जाते हैं, फिर से आप इस पर क्लिक करेंगे, अनलॉक पर क्लिक कर देंगे और अनलॉक योर प्रोफाइल पर क्लिक कर देंगे। अब आपका ये प्रोफाइल अनलॉक हो जाएगा। लेकिन अभी हम आपको दिखाते हैं कि हमारा जो प्रोफाइल अनलॉक हुआ है उसमें हमें लॉक करने का ऑप्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो हम इसे एक बार रेफ्रेश करते हैं, अपने आईडी पर क्लिक करेंगे, हमारा आईडी पर अनलॉक हो गया है, फिर से हम थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे और हमें यहां पर ऑप्शन मिल चुका है लॉक प्रोफाइल, जैसा कि आप पे देख पा रहे होंगे। तो हम यहां पर लॉक प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे, लॉक योर प्रोफाइल पर क्लिक कर देंगे और जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे हमारा जो प्रोफाइल होगा वो यहां पर लॉक हो जाएगा, जैसा कि आप पे देख सकते हैं। तो अगर आपके आईडी में आपको लॉक प्रोफाइल का ऑप्शन नहीं मिलता है तो आपको यहां पर एक काम करना होगा, यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा टर्न ऑफ प्रोफेशनल मोड, क्योंकि इसमें ऑन करने के लिए बोल रहा है तो आपके आईडी में ऑफ करने के लिए बोलेगा। तो अपनी आईडी को आपको प्रोफेशनल मोड से बंद करना होगा, यानी कि बिजनेस अकाउंट से हटाना होगा, उसे पर्सनल बनाना होगा। तो यहां पर आपको जो लिखा है टर्न ऑफ प्रोफेशनल मोड, उस पर आप क्लिक कर दीजिए और जो आपका आईडी होगा वो आपका प्रोफेशनल मोड से हट जाएगा। जैसे हम आपको दिखा दें, हम अपने आईडी को फिर से लॉगिन करेंगे और ये हमारा आईडी प्रोफेशनल मोड में पहले से है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे और थ्री डॉट बटन पर क्लिक करेंगे, यहां पर आपको दिखाई देगा टर्न ऑफ प्रोफेशनल मोड। अगर हम इसे बंद कर देंगे तो हमें लॉक करने का यहां पर ऑप्शन मिल जाएगा और हम अपने आईडी को प्रोफेशनल मोड से हटाना नहीं चाहते हैं। बस मैंने आपके जानकारी के लिए आपको बता दिया है। तो इस तरीके से आपके प्रोफाइल को लॉक करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो मैं आशा करूंगा वीडियो आपको पसंद आ गया होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर आपने लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़ जाना, क्योंकि हम आपके लिए नए नए अपडेट लेकर आते रहते हैं फेसबुक से रिलेटेड। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।